दिव्यांगों के परीक्षण के लिए जाजगीर में लगाया गया शिविर अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। शिविर स्थल में ना तो रैंप था और ना ही व्हील चेयर की कोई व्यवस्था की गई थी। ऐसे में दिव्यांगजन शिविर स्थल सांस्कृतिक भवन की सीढ़ियों में घसीटते हुए अपना परीक्षण कराने पहुंचे। शिविर में पहुंचे दिव्यांगजनों के लिए पीने के पानी का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया था। दरअसल इस शिविर का आयोजन कृत्रिम अंग और उपकरण वितरण करने की मंशा से दिव्यांगजनों के परीक्षण के लिए किया गया था। मौके पर दिव्यांगों की जांच के लिए तकनीकी जानकार तो थे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी नजर नहीं आ रहे थे, जिसके कारण दिव्यांगजन काफी परेशान नजर आए। समाज कल्याण विभाग के ही एक अधिकारी पूरे शिविर को संपन्न कराने में जुटे थे, लेकिन वे भी जरूरी व्यवस्था बनाने में नाकाम नजर आए। अव्यवस्थाओं को लेकर दिव्यांगजन में नाराजगी देखी गई। अब देखना यह है कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार शिविर आयोजित करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। ये आज जो शिविर जो चल रहा है वो दिव्यांगजनों को, जिन्हें की विभिन्न प्रकार के उपकरण शासन द्वारा प्रदाय किया जाता है, जिनको नहीं मिला है उसको देने के लिए ये मापन मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है, ताकि भविष्य में उनको जिस चीज की आवश्यकता है वह दिया जा सके। ये क्या है कि ये अस्थाई व्यवस्था है, आज हम शिविर लगाने के लिए यहाँ व्यवस्था किया गया पूर्व से ही, और इसमें जो रैंप है, रैंप तो वैसे शासन के आदेश हैं कि हर कार्यालय में होना चाहिए। व्यवस्था करना नहीं करना वो अलग चीज है। मैं तो प्रभार में, मेरे को कल बताया गया है, इसके पूर्व मेरे को ये जानकारी नहीं था कि यहाँ रैंप होना चाहिए कि नहीं था, रैंप है कि नहीं है। एक व्हील चेयर भी नहीं है और यहाँ सीढ़ी में रैंप यार नहीं बना है और पानी होने के लिए नहीं मिला है पानी। बस गेट से आए हैं, व्हील चेयर चाहिए था, कम से कम जो आ रहे हैं घिसट के उनको कोई लाने ले जाने वाले, उतना सुविधा होना चाहिए था। विकलांग भाई दूर दराज वहाँ से गेट से घिसटते हुए यहाँ पर तक पहुँच रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की मतलब लापरवाही कहें इसको सीधा सीधा, कि इस तरह की व्यवस्था करके रखे हैं। भले परीक्षण वो कर रहे हैं और उसका ऐसा परीक्षण और भी हो चुका है, कहाँ तक उसका लाभ मिल पाता है विकलांगों के तो बात की बात है, लेकिन तत्कालिक में यहाँ पर जो देखने को मिल रहा समस्याएं जो है जो बहुत ही अव्यवस्था है। अभी देखिए सुबह से विकलांग भाई यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और यहाँ पर पानी तक की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था अभी पहुंची है। मतलब शायद विकलांगों को चलने फिरने के अलावा पानी की भी आवश्यकता नहीं होगी शायद इनकी नज़र में, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। वही मैं भी सुबह से देख रहा हूँ कि यहाँ पर शासन जो व्यवस्था करके रखी है, समाज कल्याण का अधिकारी बोलता है कि नगर पालिका ने व्यवस्था किया, नगर पालिका बोलता है समाज कल्याण का, लेकिन बोर्ड में लिखा समाज। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। जिला बलरामपुर तहसील राजपुर के अंतर्गत सवारी समिति में किसानों ऋण मुक्त प्रमाण पत्र बांटने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सामरी विधानसभा के विधायक चिंतामणि और कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल थे। सवारी समिति में किसानों का कुल 1 करोड़ का ऋण मुक्त किया गया और पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों का 67 लाख करोड़ का ऋण मुक्त किया गया है। इसके अलावा विधायक ने ग्रामीणों के लिए कई अहम फैसले, जिसमें सीसी रोड, WBM रोड, ट्रांसफार्मर, आंगनबाड़ी भवन बनाने का फैसला लिया गया है। विधायक चिंतामणि ने किसानों को नई विधि से खेती करने की तकनीकों को समझाया है, साथ ही किसानों के साथ बैठकर भोजन भी किया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आकाश यादव की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। धमदा ब्लॉक के बोरीलिटिया मंडल में आज पूर्व रायपुर कलेक्टर OP चौधरी तथा साझा विधानसभा के पूर्व विधायक लाभचंद बाफना के अगुवाई में लिटिया सेमेरिया में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें पूर्व कलेक्टर OP चौधरी ने प्रदेश की सरकार पर जमकर गरजते हुए कहा कि किसानों के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है, उन्होंने जो वादे किए थे वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, बिजली बिल हाफ तथा संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया, वे अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, तथा युवाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा भी किया गया था, वे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसके साथ प्रदेश की कांग्रेस की सरकार भोले भाले जनता को ज्यादा समय तक अपने बस में नहीं रख सकी और विधानसभा में मिली जीत से उनके अंदर अहंकार की भावना आ गई, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में दिख गया। जनता जान चुकी थी कि अगर प्रदेश की तरह कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता। इसके साथ ही OP चौधरी ने बताया कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन किसी के ऊपर कोई दबाव डालकर उनको थाना या कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाया गया, लेकिन वर्तमान कांग्रेस की सरकार कुछ ही माह में लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार कुछ माह ही हुए हैं और अपनी कुर्सी का गलत फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उनका यह रवैया ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आने वाले विधानसभा में छत्तीसगढ़ की जनता उनको राज्य से बाहर फेंक देगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक लाभचंद जी बाफना ने समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है कि भारी संख्या में कार्यकर्ता बनाएं और 11 तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा।
जी भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित पार्टी है जो देश को आगे ले जाने के लिए काम करती है, और इस विचारधारा से प्रभावित होकर जो पार्टी 10 सदस्यों से चालू हुई थी आज मोदी जी और अमित शाह के जी के नेतृत्व में 11 करोड़ की संख्या को पार कर चुकी है। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देश को मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक महायज्ञ में लगी हुई है, उस बात को गांव-गांव तक, मोहल्ले-मोहल्ले तक, हर घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं, और सदस्यता अभियान चल रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने, मोदी जी का नेतृत्व मजबूत बने और भारत देश बने। आप एक कलेक्टर रह चुके हैं, तो आपने ऐसा क्या देखा जो भारतीय जनता पार्टी और भी ऐसी पार्टी है जिनमें आप ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ऐसे क्या देखा जो भारतीय जनता पार्टी में आए? आप देखेंगे कि अन्य पार्टियां वंशवाद, परिवारवाद, चापलूसीवाद, तुष्टिकरण से कहीं ना कहीं बहुत अधिक सिमट कर उसके आगोश में फंस जाते हैं, और चाहे आप कोई भी पार्टी उठा लीजिए कि समाजवादी पार्टी कि कांग्रेस पार्टी इस तरह से, तो लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में देख पाता हूँ कि एक विचारधारा आधारित पार्टी जो देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ पार्टी का लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक मजबूत है कि एक बूथ का एजेंट रह चुके अमित शाह जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, रीति नीति और राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर उन्होंने भारतीय युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को स्थापित करें, अपने माता पिता अपने परिवार की के लिए वो एक रिसोर्स बन सके उसके लिए काम करें, लेकिन साथ में देश और समाज के लिए सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी का भी साथ दें। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के तहत युवा मोर्चा को भी दायित्व मिला है। भारतीय जनता युवा मोर्चा दुर्ग जिले में लगभग 25,000 नए युवाओं को सदस्यता दिलाना है, और इसी क्रम में आज ओपी चौधरी जी के नेतृत्व में दुर्ग में आयोजन हुआ, और इसके बाद आदरणीय ओपी चौधरी जी, लालसिंह बाबा जी की उपस्थिति में हम लोगों ने युवा मोर्चा ने लिटिया बोरी मंडल में सदस्य अभियान चलाए। यहाँ भी बूथों तक हर युवाओं को जोड़ना है, और वृहद तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यक्रम में युवा भाजपा के सदस्य लेने आ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो और ऊंचाई को जाएंगी और भारत मजबूत होगा। अभी वर्तमान में ओपी चौधरी जी ने बताया कि आपके जो भारतीय जनता के पार्टी जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रताड़ित किया गया, लगभग 88 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है, उनके ऊपर क्या करना चाहेंगे, उनके खिलाफ कुछ आप करेंगे या? उसके सबसे बड़े अगर पीड़ित देखा जाए तो ये साझा क्षेत्र के हैं, हमारे लिटिया के जो कार्यकर्ता हैं भाई दिनेश पटेल जी, उन पर बदलापुर की राजनीति किस प्रकार से निकाला गया सब जानते हैं। भाई दिनेश पटेल जी को एक छोटी सी भूल के कारण जेल भेजा गया, और ये पूरे प्रदेश में यही चल रहा है। कांग्रेस की सरकार आई है, ये जनता के हित में काम नहीं कर रही बल्कि बदलापुर में काम कर रही है, और इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार मुखर है, और हर जोर जुर्म के टक्कर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा संघर्ष के नारा है इस मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है, और इस सरकार को जिन्होंने झूठे वादे करके सत्ता में आई है इसे चैन से बैठने नहीं देगी जब तक अपना वादा पूरा ना हो। TV1 इंडिया न्यूज के लिए कृष्णा साहू की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। शासन के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के एक दिवसीय साझा प्रवास के दौरान अधिवक्ता संघ द्वारा सभागार कक्ष में सम्मान समारोह का आयोजन किया। वहीं अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में पुष्प गुच्छ भेंट कर अपनी मांगों पर प्रकाश डालते हुए मांग रखी, जिसमें साझा तहसील में अपर कलेक्टर की ऑफिस अधिवक्ताओं के लिए आवास की मांग की, जिसे मंत्री चौबे ने पूरा करने का भरोसा दिलाते हुए जल्द ही पूरा कराने का आश्वासन दिया है। यहाँ आना तो अपने परिवार के बीच में आना है, इसीलिए कोई मांग और कोई घोषणा या स्वीकृति जैसी कोई बात नहीं है, सब लोग हमारे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए विमलेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट, बेमेत्रा। जिला प्रशासन द्वारा बेरला में स्कूल के निकट से देसी शराब दुकान हटाए जाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने आज अंकुर समाज सेवी संगठन, मितानिन संघ एवं स्कूली बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचे, और कलेक्टर, आबकारी अधिकारी और मीडिया को धन्यवाद ज्ञापित किया। अंकुर समाज सेवी संगठन के अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने कहा कि शराब दुकान हटाने के लिए 3 महीने तक लंबी लड़ाई के बाद सफलता मिली है, जिसमें कलेक्टर, विधायक, आबकारी विभाग एवं मीडिया का सहयोग मिला है। वहीं समाज सेविका सपना चौबे ने कहा कि आगे भी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए आंदोलन जारी रहेगा। उपस्थित इसलिए हुए हैं क्योंकि बेरला में कॉलेज के पास में जो शराब भट्टी है
उसको बंद करवाने के लिए अंकुर समाज सेवी संस्था द्वारा और हमारी महिला दीदी द्वारा काफी लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन उस पर सफलता नहीं मिल पा रही थी। और अभी भी 27 दिनों के लगातार आंदोलन के बाद में यहाँ प्रशासन का ध्यान गया और आदेश निकला कि उसको हटाया जाए करके। तो इसी पर्पज से आज हम लोग मैडम को धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं और जो स्थानीय हमारे विधायक महोदय हैं उनको भी धन्यवाद देने आए हैं और भविष्य में ये भी अपेक्षा रखते हैं कि इस तरह से आंदोलन करते रहेंगे और इन आंदोलनों के माध्यम से हम समाज में बुराई को खत्म करने की कोशिश करेंगे। योगदान हम लोग का भी धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, और हमारे सारे नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारे पूरे मीडिया के साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कदम कदम पे हम लोग को साथ दिया, बराबर बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके चले, हमारे हिम्मत को बढ़ाने का काम किए हैं। और इसमें हमारी सब महिला कमांडोज दीदी हैं, हमारे मितानिन प्रशिक्षक दीदी लोग हैं, हमारी मितानिन दीदी लोग हैं, जिसको लेकर के काफी लंबे समय से अंकुर समाज सेवी के द्वारा लड़ाई लड़ा जा रहा था और शासन प्रशासन इस पे ध्यानाकर्षण नहीं था शासन प्रशासन का। और हम लोग इस लड़ाई में कलेक्टर मैडम के द्वारा, विधायक महोदय जी के द्वारा शराब भट्टी को वहाँ से अलग जगह हटाया गया, इसके लिए यहाँ पे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए हैं कलेक्टर महोदय जी का, आशीष छाबड़ा जी का। और सरकार को अपने वादा जो शराब भट्टी बंद करने का, नशा मुक्त छत्तीसगढ़ करने का वादा था, उस पर हम उनका ध्यानाकर्षण करने के लिए भी आए हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विमलेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट, बिरला।